हैं श्री सतीश कुमार जैन भौंच IRS, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन बेटी एवं दामाद श्रीमती शैलजा, श्री मनोज पाटनी IAS, दोहिता ग्रंथ कल्प बेटी भूमिका, श्री सुशील जैन श्रीमती अनीता जैन तिजारिया, पुत्र पुत्र वधु सौरभ जैन दीपिका जैन, पुत्री दामाद अभिनव अंकिता जैन, पुत्री वैशाली जैन, पौत्री पौत्र धृति जैन, अन्वय जैन, निवासी शास्त्री नगर दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती दीपिका जैन, पुत्र प्रथम जैन, पुत्री प्रतीक्षा जैन, 80 रोड गुवाहाटी। दिव्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग प्रतिदिन मंदिर आते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर वहीं पर गंधोदक रहता है, उसको अपने सिर पर लगाते हैं। गंधोदक ये शब्द हमें बताता है कैसा है बना ये शब्द, गंध और अधिक उदक, इस प्रकार गंध और उदक दोनों मिलाने से गंधोदक बनता है, ऐसा ही ना। आपने पढ़ा होगा तो संधि इसी प्रकार होती, गंधोदक ये बन जाता है। अब जहाँ पर आप गंधोदक लगाते हैं आपके सामने ही एक लोटा गर्म पानी या जो से प्रासुक है उसको रखा, उसमें गंध चंदन जो है घोल दिया और आपके लिए आपके सामने रख दिया, भैया गंधोदक लगा लो जल्दी कर लो, सभी बहुत भीड़ लगाने वाली है, आप लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? हाँ, ये गंधोदक नहीं है क्या? गंधोदक तो है, तो उसकी प्रक्रिया भी हमने आपको बता दिया, क्यों नहीं लगाए? भगवान के सिर पर जब धारा होगी अथवा चरणों के ऊपर धारा होगी और उसको हम उस कटोरे में लेंगे, तब उसको हम आदर के साथ लगाएंगे, हाथ धोएंगे, लगाएंगे, पुनः हाथ धोकर यह पवित्र कैसा निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप का नाशनम। अरे एकाद जो है ना, एकाद तन या एकाद मन गंध को ले आए और पानी एक दो घड़े ले लिया और सुबह से लेकर के शाम तक, आजकल तो गंधोदक बहुत कम पड़ा है क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है। विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जो हमने जमाया है वो कैसा है ये बताना भी आवश्यक है।
क्या है उसमें? भगवान जिसको हमने प्राण प्रतिष्ठा करके हम सामने रख, क्योंकि वे भगवान स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने के कारण भगवत पद का ही हम स्मरण करते हैं, साक्षात दर्शन करते हैं, इसीलिए उसको हम पवित्र मानते हैं और वह पापनाशकम। ये पापनाशक रूप श्रद्धा यदि आपको नहीं है तो गंधोदक लगाने से आपको कुछ होने वाला नहीं। श्रद्धान मुख्य है, पवित्र है, पाप नाशक है। कर्म निर्जरा करने के लिए प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता। यदि आप आलस के साथ उनके देखा देखी लगा देते हैं तो उससे कुछ तो होता होगा, कुछ ठंडक तो मिलता है गर्मी के दिनों में वो भी। तो ये आपकी उपेक्षा, विश्वास का अभाव, श्रद्धांजलि नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो। वह इंद्र सोदर इंद्र उसको पुनः स्वर्ग के लिए ले जाता है, एक कटोरा या कोई भी स्थान उसमें डाल करके वह ले जाता है और सभी अपने जो कोई भी शेष रह गए हैं परिवार के लोग उनको देता है। आदिनाथ पुराण में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। शायद समय दृष्टि है अवधारित क्या नहीं, शायद समय दर्शन होने के उपरांत विशेष और इन क्रियाओं से उनको वहाँ पर भी एक प्रकार से सक्रिय जिसको बोलते सम्यक दर्शन और सक्रिय क्या होता है उल्लेख किया गया है कि वह क्रिया सहित हो गया है। एक सिर के ऊपर लगाया कि छाये सम्य दर्शन तो पहले है, उसी के कारण तो यह आदर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको विश्वास है अन्य समय में जो कर्म की योजना उनकी होती है वह इन क्रियाओं के साथ विशेष होती है। इसी प्रकार आप लोगों को भी भले ही चतुर्थ गुणस्थानी मात्र रहावे किंतु इन क्रियाओं के साथ उसमें आपको असंख्यात गुणी निजरा अवश्य होती है। इस प्रकार नाम स्मरण भी यदि पंच परमेष्ट के करते हैं तो भी वह कर्म की निर्जरा होती है उस समय में, उससे पहले हटकर के जो है उस समय हल्की थी, फिर इसके उपरांत आचार्यों का कहना अब हल्की नहीं किंतु भारी है। असंख्य लोग कम निजरा कारवो नमो यारो, ये नमस्कार पद अपने आप में महत्वपूर्ण है। वह इन क्रियाओं के साथ जब वहां नमोकार बोलते हैं तो उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा होती है। और इसमें जिसका विश्वास, आस्था, आदर, बहुमान के साथ होता है तो उसका बढ़त क्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। कोई भी मिठाई में
मीठा तो रहता ही है, रहता है, लेकिन कुछ कम पड़ गया तो क्या हो गया? तो उस चीज़ को खाने के प्रति कमजोरी आ जाती, और अनुपात से यदि मिठाई है उसको खा लेते, अति भी यदि हो गए तो भी ठीक नहीं। किंतु आप आदर के साथ करते हैं उस समय और उससे पूर्व में, दोनों की तुलना करते हैं तो बहुत अंतर पड़ता है। आप लोगों को एक एक समय में असंख्यात गुणी निर्जरा घर में बैठे भी हो सकते हैं। हाँ, हम भी यही चाहते हैं, मंदिर जाना ना पड़े। ऐसा नहीं, यदि जा नहीं पा रहे हैं किसी कारण के वजह, तो वो भी घर में बैठे बैठे भी अरंसिद अरंसिद करते हैं, काम धंधे करते हुए भी आप करते हैं। ध्यान रखो, पहले के लोग जो पीसते थे धान, वो पीसते हुए भी अरंसिद उनका चलता है, और आपका मंदिर में जाने के उपरांत ही उधर के आरंभ से न चलता है। कैसी निर्जरा होगी? उसके लिए भीतर चाहिए। तो आप लोग कमजोर बहुत हो अभी, नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं किंतु आचार्य परमेष्ठी भी, अरंत परमेष्ठी तो केवल शुद्धों का ध्यान करते हैं, किंतु हम लोग आचार्य परमेश्वर तक क्या कहते हैं उनको, वो भी नवो नोए सबसाहो। लोक में जितने भी साधु हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, उनको हमारा नमस्कार। अरे भैया, आप लोग आजकल जो है ना व्यापार करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर ऑनलाइन चलता है ना आपके यहाँ। इसी प्रकार आप घर में बैठे बैठे भी ऑनलाइन नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। आप तो कहते हैं ताली तो बजाओ, तो हमारे बताने की आवश्यकता नहीं, हमारे तो ऑनलाइन की तालियां बजती रहती। हाँ, इसलिए हमारा कहना है आप लोग कहीं भी रहे कोई बाधा नहीं, किंतु समय का यदि उपयोग करना चाहें और बच्चों के ऊपर भी ऐसे विश्वास पैदा कर लो तो बहुत काम हो सकता। घर में हमेशा हमेशा उस नमोकार मंत्र की गूंज हो, तरंग हो, तो निश्चित रूप से पाप नाशकम, हाँ रोग नाशक होता है। अरहन सिद्ध कहते जाओ, निश्चित रूप से विश्वास के बिना ये संभव नहीं होगा। आप सुन रहे हो क्या? नहीं सुनना पड़ रहा है? नहीं, अच्छा, वही हम चाहते हैं आप जितने आनंद के साथ इसको उच्चरित करेंगे। तो आचार्य कह रहे हैं तमाम असंख्य गुणकार के अनुसार, असंख्यात 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 गुना करने से जो आता उपलब्ध, उतनी कर्म की निर्जरा उसकी होती चली जाती है। इसको सक्रिय बोलते हैं, निष्क्रिय नहीं। हाँ होता होगा, नहीं ऐसा नहीं। इसलिए जितना समय आपको मिलता है उसका उपयोग इस ढंग से कर सकते हैं। कई लोग नहीं कर पा रहे हैं घर में ही रह करके, यहाँ से अमेरिका में जो काम धंधा है उनका, नौकरी है वहाँ, यहाँ से काम करते रहते हैं ऑनलाइन से बस। हाँ,
ये अपने आप में वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी सुविधा आ गई है। इसीलिए हमारा कहना कि भावों को बनाओ तो असंख्येज गुण से जी कम निर्जराकार तम्मा। इसलिए क्या कह रहे हो देखो महाराज, तम्मा पयान पच्छायन गमन आदि आदि क्रियायों में आप निमील नमोकारो कादबो। नियम से आप लोगों को नमस्कार मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ऐसे भी महाराज हैं जो नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हैं किंतु गर्मी के दिनों में शिखरों पर जा कर के वो तप कर रहे होते हैं। किनका तप कर रहे हैं? ध्यान जिनका कर रहे हैं, पंच परमेष्ठी का कर रहे हैं, वो भी पंच परमेष्ठी, लेकिन उनकी वह दुकान हम लोगों के पास है ही नहीं, लेकिन उसका कुछ अंश भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसने ही काम करो, किसी की छोटी दुकान है, किसी की बड़ी दुकान है, किसी की होलसेल है, थोक थोक जिसको बोलते हैं थोक, हाँ। इसीलिए आप थोक दुकान के मालिक बनना चाहते हो, हैं? केवल नाड़ हिलाने से नहीं बन पाते, बन तो सकते हैं, पूंजी लगानी पड़ती है, हाँ। और पूंजी तो आप लगाओ नहीं, और हमारी भी थोक दुकान खुल जाए, लोग बहुत थोक थोक करके देखते हैं, थोक में हमार लेते हैं, ध्यान रखो। इसलिए ये सस्ता हो गए ना नमोकार मंत्र के कारण। अब देखो उनकी पवित्रता उसमें कैसे आ गई। आचार्य कहते हैं उनके भावों के द्वारा, उनके भावों के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति जैसे बंध को प्राप्त हो जाती, उसके कारण अगले जीवन में भी जब जन्म लेते हैं तो सुगंधित शरीर मिल जाता है उनको। वो जहाँ से गुजर जाते हैं वहाँ पर चारों तरफ महक ही महक महक में, ये कौन है कौन आए है, कोई दिखता तो है नहीं, उसी को पूछा ये गंध कहाँ से आ रही। यह तीर्थंकर प्रकृति की बंध का परिणाम है और किसी को नहीं। इसीलिए हम उन तीर्थंकरों को भी बार बार नमस्कार करते, गंध को नहीं, लेकिन उस गंध को वह कैसे बह रहा है तो ऐसे उनके भाव होते हैं। तो भावों को सीखो। बाजार में भाव क्या है पूछते हैं, द्रव्य क्या है ये नहीं पूछते, भाव क्या है, आज का भाव क्या है, भैया आज का भाव तो ऐसा है, शाम का तो भगवान जाने क्या होने वाला। तो इस प्रकार की पवित्र गंध उनके शरीर से फूटती रहती है, वह उत्तम भावों का परिणाम है, ऐसे आगम में लिखा है। इसलिए बड़ा बड़ा ध्यान यदि नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, और बहुत ज्ञान भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, किंतु गंडोदक जो है ना, वह गंडोदक तो पवित्रम पापनाशनम। इसके आदर के साथ आप लगती लगाती जाओ, और मान लो बच्चों को कुछ गड़बड़ी हो गई तो उस गंडोदक को आप उसके सिर पर लगा दो, और भाव भाव इसका वहाँ पीड़ा ठीक हो जाए तो होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु वह लाइन बहुत ठीक होना चाहिए। आप लोग सब व्यसनों से दूर रह सकते हैं, रह जाएंगे तो कोई वादा है नहीं, समय पर इतना ही सब पर्याप्त है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, थोक में भी
ज़्यादा नहीं ले। हाँ ऐसे करा करो, और बच्चों को भी कहो मंदिर जाने से क्या होता है, गंद उदक लगाने से क्या होता है, नहीं समझे इन सब बातों को अभी से वह सिखाते जाओ। आप लोगों को यदि मिला है, सीखने में मिला है, तो आप मिलाते जाओ दूसरे के ऊपर भी, आप अपने बच्चों के ऊपर ही क्यों, अड़ोस पड़ोस में भी आप कह सकते हैं। इस प्रकार प्रभावना धर्म की करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों के पास जानने के साधन कितने हैं? पांच इंद्रियां हैं और मन भी है। पांच इंद्रियां जब होती हैं तो पांचों एक साथ काम नहीं करती, एक एक इंद्रियां एक एक समय में काम में आती है, अन्य समय में पूर्व का जो इंद्रिय था वह शांत हो जाती है, दूसरे वहां पर चालू होता। ये इतना सूक्ष्म कार्य होता है, हमारा मन उसको कहाँ तक आत्मसात कर सकता है या करता है हम नहीं कर सकते। क्या आपने कहा यह मन का विषय बन जाए, बहुत कठिन होता है। बन भी जाए लेकिन बस स्मरण में रह जाए, ये बहुत कठिन होता है। स्मरण थोड़े समय के लिए रह जाए, बाद में लुप्त हो जाए, ये बहुत स्वाभाविक है। इसलिए आप लोगों के जो व्यापार हैं इंद्रियों के, वे बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। मन का संबंध उसके साथ, मन की उपस्थिति वहाँ पर नहीं है तो इंद्रियों के व्यापार का जो कार्य है वह सारा सारा लुप्त हो जाता है। जैसे कीड़े पतंगे छोटी छोटी चींटियां वगैरह रहती है, उनका व्यापार होता है लेकिन उन्हें स्मरण नहीं रहता क्योंकि स्मरण का साधन उनके पास नहीं। तो कई व्यक्ति आ जाते हैं, महाराज ये सब कुछ ठीक करता है लेकिन इसका मन का विकास ठीक नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें कई प्रकार की बातें व्यवधान के रूप में आ सकती है, आप लोगों को ज्ञात रहता नहीं है। इसलिए इन साधनों को सही सही रखने का नाम क्या कहा है मालूम है? हाँ, इसको अहिंसा और हिंसा से बांधा है। ज़्यादा जोर से आप बोलोगे तो कान के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, पड़े नियम नहीं, लेकिन बहुत बार बार आप करेंगे अवश्य वह कान के ऊपर आँख के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। इसका नाम आचार्यों ने हिंसा कही है। क्या कहा? आप अहिंसक है कि हिंसक है? हाँ,
पानी तो छान करके पीते हो, लेकिन दूसरे को जोर से आप भूल करके कानों में जा करके कानों के पास जाओ और जोर से सुनते नहीं तो उसका कान का पर्दा। कई व्यक्तियों से ऐसा हमने सुना, हंसी मजाक में बच्चे ऐसे करते हैं तो कान बंद हो जाते हैं। इसका नाम एक प्रकार से आचार्यों ने हिंसा कही। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरूपनम हिंसा। इतने उलट पुलट आप सोच लिए उसके कारण भी मन के ऊपर दुष्परिणाम हो जाता है। फलस्वरूप वह एक प्रकार से पागल भी हो सकता है, पागल होने की ओर भी हो सकता है और दुनिया को भी पागल कर सकता। एक बार वह प्रभाव पड़ गया तो दवाइयां काम नहीं कर पाती, क्योंकि भीतरी जो ज्ञान तंत्र है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है। इसलिए बच्चों को भी ज्यादा चिल्ला करके आप लोग मत कहा करो। साउंड के ऊपर आपका नियंत्रण रहना चाहिए, किंतु साउंड आपको होने के कारण अनियंत्रित ही आप सब रहते हैं, वो अच्छा नहीं। बड़े बड़े व्यक्ति जो चिंतनशील रहते हैं, लेखक रहते हैं, गायक रहते हैं, वे इस हाव हुल्ला से कभी अपनी कला का प्रदर्शन नहीं करा सकते। एकदम शांत बैठिए तभी काम होगा। और भी स्थान हैं जिन स्थानों में हम अपने प्राणों को बहुत अच्छे ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। कल या परसों आयु कर्म के बारे में हमने कहा था, आयु भी प्राण है। आयु यदि प्राण है तो प्राण के बिना जीवन नहीं चल सकता, इसलिए बहुत ही व्यवस्थित अपना काम होना चाहिए। आप 1000 व्यक्ति एक साथ बोलो तो भी व्यवधान उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर स्वर के साथ, व्यंजन के साथ और एक प्रकार से लयबद्ध क्रम से कार्यक्रम होता रहता है, उसके लिए टिकट लगता है, समझे। यहाँ पर कितने के टिकट लेकर के आए हैं आप लोग? यहाँ पर बैठने के लिए भी आपको टिकट लग सकता है, क्योंकि इस प्रकार के बात करते ही वह इस प्रकार घर कर जाती है तो वह हमेशा हमेशा याद स्मरण में रह जाता। आपको खर्च भी नहीं करना है, किंतु केवल नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे जैसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वैसे वैसे यह प्राणों की व्यवस्था के साथ ही चलती है। उसमें हमें ज़्यादा कुछ खर्च करना नहीं होता, किंतु नियंत्रण रखना होता। और नियंत्रण रखते हैं तो अपने आप ही सब काम होता है। मैं जब छोटा था उस समय की बात कहता हूँ, कहीं जा रहे थे तो गाड़ी में बैठा था तो वह सब लोग बैठ गए पीछे, हमने उस ओर नहीं देखा, सोचे यही ड्राइवर बैठते हैं यहीं पर बैठा जाए,
जब ड्राइवर आ गया मेरी ओर देख करके, पहले तो उसने कुछ कहा नहीं, किंतु बाद में कहा, देखो यहाँ पर आप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं गाड़ी चलाऊंगा उस समय व्यवधान हो जाएगा, आप ही बताओ व्यवधान होता है क्या नहीं होता है। हमने टिकट ले लिया है, हमने पैसा दे दिया है, तुम्हें ड्राइविंग करना है, तुम्हें पैसा मिलता है, मुझे कुछ नहीं कह सकते। हाओ वो नीचे उतर करके चल दिया, पूरी को पूरी गाड़ी के जो सीटें हैं व्यक्ति रहने की, ये क्या कर दिया आपने, हाँ ये क्या कर दिया, मैं स्वतंत्र हूँ, मैंने टिकट लिया है, तुमने भी टिकट लिया होगा, हमने भी टिकट, हमारे ऊपर आपका कुछ नहीं चल सकता। ये सारा का सारा मामला कहाँ तक जाएगा आप बताओ। एक व्यक्ति यदि असंयम करता है तो पूरा असंयम का वातावरण बन जाता है। आप लोग अपने घर को संभालो, ये संभालना बहुत कठिन होता है कि नहीं। हाँ महाराज, ये बहुत कठिन होता है। पहले समझते थे हम सब ठीक ठाक कर लेंगे, ठीक ठाक कैसे करेंगे, ठोक ठाक करके करोगे क्या, कैसे करोगे मुझे बताओ। इसलिए आपके परिवार का वातावरण शुद्ध होगा, अपने इंद्रियों को आप व्यवस्थित रखिए, अपने सोच भी व्यवस्थित रखिए, अपनी बोल चाल भी व्यवस्थित रखी है। आचार्य ने कहीं भी नहीं लिखा तुम बोलो, इतना अपार शास्त्र लिखा गया है, वहां पर कहीं भी नहीं कहा गया तुम बोलो, लेकिन उन्होंने ये कहा यदि बोलते हो तो असत्य न बोलो। ये शास्त्रों का सार है। तत्वार सूत्र के सारे सूत्र को छाना, यहां पर बोलने के लिए कुछ कहा ही नहीं जा रहा। बोलना एक प्रकार से बाधक तत्व है। विज्ञान, जो छात्र विज्ञान को देखा है उसको ये बात समझ में आ सकती है। वो ये लिखा गया है कि बोलना है तो असत्य नहीं बोलना। बोलने से क्या होता है तो मैं बताना चाहता हूँ, शास्त्र में लिखा गया, आकाश में सारे के सारे अपनी व्यवस्थाएं हैं, जैसे रेखा खींचते हैं ना आप लोग, उस प्रकार आकाश के प्रदेशों की पंक्तियां हैं, और जो कोई भी वस्तु इधर की उधर, उधर की इधर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आदि आदि होते रहते हैं, वो सब अपने सीमा से ही गुजरते हैं। तो यह आपका जो वचन है या बोल है, यह भी एक वस्तु है, और यह वस्तु जितनी तेजी के साथ आपने बोला है उतनी ही तेजी के साथ ब्रह्मांड को पार कर जाता। यहां से लेकर के लोक का अंत जहां तक नहीं होता, वहां तक उसकी गति हो सकती है और होती है, और उन पंक्तियों में, उन आकाश के प्रदेशों में
छोटे छोटे तृष्ण भी हो सकते हैं, सावर जीव भी हैं, भरे हुए हैं, उनमें से यह आपके शब्द की यात्रा हो रही है। उसको धक्का लगने से कई जीवों की वहाँ पर मृत्यु संभव है। आप चाहते थे क्या? नहीं, लेकिन विवेक के अभाव में इसलिए आचार्य ने सारे सामान्य साधु भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि शास्त्र में कहीं बोलने के लिए कहा ही नहीं। प्रत्युत्तर देना तो बहुत दूर की बात है, शांत रहना इसमें अहिंसा तत्व की आराधना होती है। और थोड़े से भी अशांत हो जाना, इस शरीर को हिलाने वाली भी चीज भीतर उत्पन्न हो सकती है। बड़ी व्यवस्थित यह शरीर की संरचना होती है। आजकल के जो ये रोगों की बात सुनता हूँ, तो क्या होने जा रहा है यहाँ पर? ये सारे सारे अनियंत्रण से हो रहा है। खान पान से भी, साउंड से भी, शब्द को भी विज्ञान ने प्रदूषण स्वीकारा है। फिर क्या करना? उसको छान दो जैसे पानी छानते हो, फिर उसके उपरांत पीते हो, उसी प्रकार बोलो तो कहाँ नहीं बोलो, लेकिन उसको भी छान करके फिर बाद में बोलो। छान करके बोलने का मतलब असत्य न बोलो, वचन को बंद करो, इसके लिए गुप्तियां आती हैं। मन में सोचो नहीं, मेरा मन है, मैं कुछ भी सोच सकता हूं, पागल हो जाओगे, सोच नहीं सकते आप, भयंकर रोग हो सकते। जो जरा चिंतन करता है, मन के ऊपर प्रभाव पड़ता और रक्त संचार के ऊपर सबसे ज्यादा भार पड़ता। काय के द्वारा इतना संचालन नहीं होता और धक्का नहीं लगता जितना कि हम बोलते हैं, और बोलते हुए और उसके साथ सोचना भी पड़ता है, तो सोचते हैं और बोलते हैं, इसमें रक्त संचार में गति होने से वह निश्चित रूप से बहुत जलता है। जैसे इस प्रवास में हमारा पेट्रोल बहुत जला, क्यों जला? ऐसा क्यों चला? आपने गलत तरीके से चलाया होगा, इसलिए ऐसा हुआ। इसी प्रकार यह है, हमारे लिए कहीं भी नहीं लिखा कि तुम बोलो। तो यहाँ जो शब्द यहाँ निकल गया, लोक के अंत तक चला गया, उसमें जो जीव है उनको क्षति पहुंचा है। संलेखना के समय पर सावधानी रखने के लिए कहा है, वहां पर ज्यादा जो बोलने वाला होता है उसको भेजो नहीं, वो वहां पर जाए नहीं। और जो धीरे धीरे भूलता है, हाँ, जो यहाँ पर अभी आप लोग बोलने वाले को खड़े कर रखा है ना, उसको वहां पर हम अनुमति देंगे ही नहीं। तुम केवल उस संलेखना में जो लीन है उसके दर्शन भर कर सकते हो, उसके साथ तो बोलना, पैसे भी कितने भी खर्च कर लो, आप बने ही दबाव किसी के ऊपर डालो, आप माइक के ऊपर बने दबाव डालो, वहाँ पर तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वह एक एक मास हुआ है, भोजन भी नहीं और पानी भी नहीं,
तो वह भूली से उसके कान एकदम झन्ना जाएंगे। इसलिए वो भी बोलो तो बहुत कम बोलो, मृदु बोलो, प्रिय बोलो। हाँ, आप सुन रहे हैं, आप लिए नहीं पूछ रहा हूँ, किंतु संलेखना में जो क्षपक रहता है उसको पूछा जाए, जो कहेंगे ठीक है, ठीक है, ठीक चल रहा है। अरे भैया, ऐसा तो भूल नहीं सकते, वहाँ पर प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आपके लिए, जैसे आकाशवाणी में बोलते हैं ना, हाँ, ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर अक्षर प्रस्फुटित होते हैं, बहुत धीमे बोलते हैं, बहुत जोर से नहीं बोलते, लेकिन सबको स्पष्ट सुनने में आता है। आप लोगों को सुनने में आ रहा है? तो बहुत ज़्यादा जो है यह करंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको प्रशिक्षण लेना अभी बहुत आवश्यक। और एक आध बार ताली बजाना तो ठीक, बजाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक आध बार तालियां बजाना तो ठीक है, किंतु तालियां तालियां ये तो हर बात पर तालियां बजा रहे, तो फिर तालियों का मजा ही सब बात। हाँ हाँ, मात्रा तो रखो ध्यान, अति मात्रा से उसका जो स्वाद है वह कम हो जाता है। तो अपने जीवन को जो प्राणमय है, प्राण वाला है, उसको प्राणों को सुरक्षित हमेशा रखना चाहिए। जितनी आप उसके साफ सुथरी व्यवस्था करोगे, उतनी ही वह एक प्रकार से हमें लाभ देगा। तो आप आज समझेंगे, कल जो आने वाले हैं, आज के जो आने वाले चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस ढंग से लिख दो, अभी 9 बजे तक वहाँ पर नंदन में तो जाओ, किंतु महाराज जी के पास यदि दर्शन के लिए जाते हैं तो कोई वादा नहीं, किंतु वहाँ पर बैठो नहीं, बैठे भी मान लो तो भी आप बोलेंगे नहीं वहाँ पर। सुन रहे हैं? हाँ, मौन से सुनो और कान से सुनो, मौन से बैठ रहो, बैठे रहो, कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बैठने से, जैसे मुझे उसने गाड़ी में से भैया तुम पीछे जाओ, ऐसे ही आप लोगों के लिए भी यहाँ से नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर बैठो, हम दूसरे ऊपर क्यों और भी तो कमरे हैं, वहाँ पर बैठ कर के हम अपने काम से निकाल लेंगे, इसमें कोई बाधा है ही नहीं। देख लो, हमें तो कह दिया। हाँ, ये तो आप लोगों को जबरदस्ती तो नहीं किया है? हाँ हाँ, मतलब जबरदस्ती वहाँ पर महाराज जी जो है नियम लागू कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अफवाह है, ऐसा होता है। हाँ हाँ, व्यवस्थित हम अपने आप को नहीं, आप लोगों के लिए। हाँ, व्यवस्थित करिए ताकि किसी लोग आप देख तो लो इसका क्या आनंद आता है। हाँ, आगे भी बच्चों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बच्चा समझ लेगा। जो बहरा है, गूंगा है, नहीं समझे, वो भी समझे, फिर आंखें लाल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आंखों में वैसे ही लाली कम है, आंखों में देखते हैं डॉक्टर लोग, अरे खून तो बहुत कम है लेकिन बहुत लाल होते हैं।
ये बच्चों के ऊपर बहुत लाल होते हैं, खून तो है ही नहीं, ऐसे क्यों? तो वो क्रोध का परिणाम है। इसलिए आप लोग अपने आप को शांत बनाओ, सम्यक दर्शन की भूमि का शुभ निशा के साथ बताया है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, तो जिस भूमिका में वो प्राप्त होता है वह भूमिका हमेशा बनाए रखो। नहीं है तो वह कभी भी आपके पास नहीं आ पाएगा। इसलिए आप अपनी हानि को देखो और लाभ को भी देखो। इसमें पर्याप्त समस्या हो, बहुत स्वच्छ विषय आपके सामने रखा है, शास्त्र का है, इसलिए शब्द के द्वारा भी प्राणों को क्षति पहुँच सकती है, पहुँचती है, उससे हिंसा का कार्य घटित होता है। हम अहिंसक हैं तो ऐसे शब्द नहीं बोल सकते, बोलते हैं तो आप पाप से बच नहीं सकते, पाप से बच नहीं सकते तो दुख में आपको मरना ही पड़ेगा। इस प्रकार के दुख से बचने के लिए इतना आपको संयम रखना पड़ेगा कि सारे जीवों में मनुष्य ही एकमात्र पूर्ण संयम का पालन कर सकता है। इसलिए आपके सामने ये रखा, और कोई भी जीव है जिसके पास मन नहीं है तो उनके पास संयम नहीं आ सकता। और आप यदि इसका पालन नहीं करते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मन है, संयत मन है, और इसका उपयोग करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। एक पक्षी नीड बना रहा है, घोंसला जिसको बोलते, नया नीड बना रहा है, फिर उसमें वह अंडा दे देता है, फिर उसको वह सेकता रहता है, फिर अंडे से जब वह शिशु जन्म लेता है, उसके लिए योग्य राशन ला ला करके उसकी चोंच में वह डालता रहता है, और वह चला जाता है और गवेषणा के लिए, तो इधर से वह छोटा पक्षी चढ़ा हुआ क्या बोलते वो बार बार आवाज करता रहता है। इस आवाज को माता पिता वो सुनते रहते, बार 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 वह ला करके चोंच में डालते रहते। एक समय आता है जब वह छोटी चिड़िया थोड़े थोड़े
पंख फैलाने लग जाता है तो वो दोनों माता बहन समझते हैं अब हमें इसको ज़्यादा लाड़ प्यार की आवश्यकता हमें किसी दर्जने का महाराज 40-45 साल गिर है साल गिर एक 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 साल गिर रही तो वह दोनों पक्षी उसे उस नीड से नीचे की ओर गिरा देते हैं और साथ रहते हैं तो इस प्रकार करके उसको उसकी पंखों को पुष्ट बना देते हैं और एक दिन वह आता है वह आसमान में उड़ जाता कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है आयु कर्म के अनुसार यहाँ से जो चला जाता है देवलोक में चला गया यहाँ परिवार के लोग रह गए कुछ समय के उपरांत वह वहाँ पर फिर जाकर के परिवार में मिल जाते हैं पता नहीं था पीछे हम ही ये थे यही हम थे एक परिवार था इस प्रकार यह चक्र मोह का चक्र है चल रहा है व्यर्थ में कर्म के ऊपर विश्वास नहीं होने से मोह करते चले जाते हैं और उसी में पुनः पुनः उलझते चले जाते हैं सुन रहे हो सुलझना चाहते हो सुलझाने की चक्कर छोड़ दो सुलझना चाहते हो वह उलझाने के तो चक्कर ठीक हो जाता है लेकिन सुलझाने के चक्कर में जो लग जाता है वह पुनः उलझता चला जाता है यही हमारा कहना था बोलना नहीं चाहता था लेकिन बुलवा दिया अहिंसा परमो धर्म ओम नमः देव्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की अभी क्या बोलना है आप लोगों ने तो पूजन कर लिया उसका फल तो आपको मिलेगा ही एक बार की बात है दो खेत वाले हैं और दोनों खेतों में अपने अपने आम के पेड़ हैं जब उसमें काफ़ी आम लग गए भार वो आया एक ने तो सोचा इसको जल्दी उतारा जाए तो उसने
अपने पेड़ के फलों को उतारा और पाल से माली जैसे माली उसको गर्मी आंच दे करके पकाता है, वैसे उसने पकाने के लिए व्यवस्था कर दी। किंतु उसके जो साथी था अड़ोस पड़ोसी, उन्होंने नहीं उतारा आम को। तो जिन्होंने उतारा था उसे पूछा कि तुमने अभी क्यों उतारा, अभी नहीं उतारेंगे तो फिर हम तरेंगे नहीं, सब लोग तोड़ ताड़ करके खा लेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं, अभी भी ऐसा ही होने वाला है। क्यों क्यों कहे तो क्या आपके हैं आम के पेड़, आपने तोड़ा इसमें कोई बात नहीं, मेहनत आपकी है लेकिन योग्यता आपकी नहीं है। आम की योग्यता अभी नहीं आई थी इसलिए, और यह जो 8-10 दिन के बाद उतारेगा उस योग्यता के कारण यहाँ पूरी गली में महक आ जाएगी। इसलिए आम का पेड़ आपके, आम आपके, मेहनत आपकी, विचार भी आपके, लेकिन इनमें से कम दूसरे विचार भी लिया करो, जल्दी न करियो अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सतीश कुमार जैन भौच IRS, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू जैन बेटी एवं दामाद श्रीमती शैलजा, श्री मनोज पाटनी IAS, दोहिता ग्रंथ कल्प बेटी भूमिका, श्री सुशील जैन श्रीमती अनीता जैन तिजारिया, पुत्र पुत्रवधु सौरभ जैन दीपिका जैन, पुत्री दामाद अभिनव अंकिता जैन, पुत्री वैशाली जैन, पौत्री पौत्र धृति जैन, अन्वय जैन निवासी शास्त्री नगर दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती दीपिका जैन पुत्र प्रथम जैन, पुत्री प्रतीक्षा जैन 80 रोड गुवाहाटी